YouTube family, welcome back to my channel, सोनाली मित्रा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों ने दिवाली किस तरह मनाई, कितना इंजॉय किया, आप लोगों ने मुझे शेयर नहीं किया अभी तक, ना ही कमेंट किया, तो जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करके बताइए। और हाँ, मेरी दिवाली वाली ब्लॉग देखी या नहीं, सो जल्दी से जाइए मेरे ब्लॉग पे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से मेरी दिवाली वाली ब्लॉग को देखिए और उसमें खूब सारा प्यार दीजिए। सो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू और एक इंटरेस्टिंग चीज़ लेके आई हूँ। सो अभी काली पूजा अभी चल ही रहा है, आई थिंक अभी 2-3 दिन हमारे यहाँ पे रहते हैं। तो आज मैं एक बहुत अच्छी जगह पे आई हुई, एक इंटरेस्टिंग जगह पे, ये भी है धनबाद जिले के अंदर ही पार्क मार्केट। और वो पार्क मार्केट इसलिए उस जगह का पार्क मार्केट थी क्योंकि पार्क मतलब मार्केट के अंदर ही एक पार्क है, चिल्ड्रेन पार्क। सो इस चिल्ड्रेन पार्क में कई सालों से यहाँ पे बहुत उत्साह से काली पूजा मनाया जाता है। और इस बार का जो काली पूजा हुआ है वो 20 लाख के लागत से काली पूजा का पूरा पंडाल बनाया गया है, पूरी तैयारी की गई। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इतना बड़ा अमाउंट का अगर यहाँ पे बजट का पंडाल बना है, सो ये किस तरह का बना होगा। सो आइए मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिए, मैं स्टार्ट करती हूँ, स्टार्टिंग से आप लोगों को दिखाती हूँ। सो आइए मेरे साथ। सही में मुझे ये जगह बहुत अच्छा लगा। और ये जो पूरा यहाँ का थीम जो बनाया गया है ना, वो पूरा राजस्थानी थीम पे बनाया गया है। सो आइए देखते हैं यहाँ पे किस तरह से यहाँ की सजावट की गई है। सो ब्लॉग पे बने रहिए, आप लोग ब्लॉग को छोड़िएगा नहीं। चढ़ तो नहीं सकती हूँ, बट ये सजावट के लिए ओरिजिनल नहीं है। सो यहाँ से ये स्टार्टिंग हो रहा है। सो मैं अभी थोड़ा सा फोटो वोटो खिंचवा ले रही हूँ यहाँ पर। सो आप लोग भी आइए अंदर, पूरी सजावट यहाँ पे देखते हैं। सो ये है यहाँ का पूरा थीम, आप लोग साथ आइए। देख सकते हो ये राधा कृष्ण को झूला में बिठाया गया और ये आर्टिफिशियल नहीं, ये झूला झूल रहा है, देखिए हम झूला भी सकते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा है। आइए अब यहाँ की खूबियाँ देखते हैं कि आखिर किस चीज़ से ये बना हुआ है पूरा पंडाल, कि इतना बजट इसमें लगा इस पंडाल को बनाने में। सो ये ओरिजिनल बिचाली से बना हुआ है। सो आप लोग तो जो भी गाँव घर के हैं उन लोगों को पता होगा कि एक्चुअल बिचाला पॉल किसको कहते हैं। सो ये पूरा ओरिजिनल और बनाया गया है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पंखा भी सारा ओरिजिनल लगा हुआ है। जो भी डेकोरेशन था, जो भी था, मैंने आप लोगों को दिखा दिया। और मैं अंदर से बाहर से अब मैं पूरा अंदर आ गई हूँ। और यहाँ पे जो काली जी की मूर्ति है, जो बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर है, मैं आप लोगों को दर्शन कराती हूँ। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अट्रैक्टिव है ये छोटी काली जी की मूर्ति। नीचे रखी गई है क्योंकि उतना ऊपर पूजा हो नहीं पाता है, सो नीचे इसीलिए उनका अलग से पूजा किया जाता है। सो आप लोग
लोगों को कैसा लगा यहाँ का थीम, यहाँ का काली पूजा? धनबाद में भी इस तरह के बहुत सारे बहुत जगह पे मतलब अलग अलग काली जी की पूजा होती है, वहाँ पे पंडाल बनते हैं। सो ये थीम, ये जगह मैंने इसलिए चुना क्योंकि ये थोड़ा सा स्पेशल है। सो उस दिन भी मैंने दिवाली वाली ब्लॉग पे एक जगह पे आपको काली पूजा दिखाई, ये दूसरा जगह पे है। सो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यहाँ का जो आज का जो मेरा ब्लॉग है, आज के ब्लॉग का जो काली पूजा का जो थीम है, वो आप लोगों को कैसा लगा। सो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सो मैंने आप लोगों को पंडाल तो सारा दिखा दिया है, और मैं अभी और दिखाती हूँ। यहाँ पे ना पूरा मेला लगा हुआ है। सो मेला अभी तो बंद है, मैं एक्चुअली दोपहर के टाइम में आई हूँ। सो आप लोगों को फिर भी मैं दिखा देती हूँ। सो यहाँ पे बहुत सारे झूले वगैरह लगे हुए, स्टॉल लगे हुए खाने के। खाना कुछ भी नहीं है अभी यहाँ पे, मुझे भी खाना था पर कुछ भी खुला हुआ नहीं है, सारा शॉप बंद है। सो अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों को दिखा ही सकती हूँ। सो आइए आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। मेला घूम लिया और यहाँ का पूजा भी देख लिया। सो आप लोगों को कैसा लगा यहाँ का पूजा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप लोगों को आगे की सारी जानकारी मिलती रहे, जो जो मैं दिखाने वाली हूँ सारी इंटरेस्टिंग जगह। आप लोग साथ में बने रहिए वरना मैं कैसे आप लोगों को दिखा पाऊँगी। सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। सो मिलता है कल के ब्लॉग पे। सो कुछ इंटरेस्टिंग कुछ नया लेके आते हैं। सो आज के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट एंड लव यू टू माय यूट्यूब फैमिली।